डॉक्टर साहब, लिखने का शौक कहाँ से पड़ा? तकरीबन 200 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम से हमारी फैमिली टीचिंग की फील्ड में है, ठीक नस्ल दर है, नस्ल। तो अच्छा, मेरे फादर की भी 17 किताबें थीं, उससे पहले भी ये सिलसिला चलता रहा, तो मेरे तक भी ये चीज़ आई। तो ये कोई ऐसा जेनेटिकली भी आई ना? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई कमाल नहीं है, ये फैमिली ट्रेडिशन है। ठीक है, तो वो कहते हैं, बल्कि मेरे फादर का एक मिसरा है कि ये जबरे अहद वफा था कि बिक ना सकते थे, जो सूएदार ना जाते तो क्या करते, तो यही करना था और क्या करते। ये तो पीछे से मिला था, ये तो चल नहीं ये तो था। मिला ही था बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से 23 किताबें आपने लिख ली हैं और आगे भी लिखने का शौक रखते हैं और इसी काम को लेकर आगे चल रहे हैं। जी जी अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में कौन सी किताबें या कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल से लिखूं और लोग पढ़ें? देखिए, कहा यह जाता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना, जो चेंजिंग आ रही है, उसके बाद सिर्फ दो तरह के लोग, टू टाइप्स जो है उनकी, वो सर्वाइव करेंगे। कौन कौन से? सिर्फ दो। एक अच्छा। वो पीपल विद पीपल स्किल्स, ओके, और दूसरा पीपल विद सेलिंग स्किल्स। सही सही सही, सेलिंग सेल्स। देखिए, आप जो कर रहे हैं बेसिकली यू आर आल्सो इन सेल्स, यू आर सेलिंग योर प्रोग्राम, आपकी रेटिंग शेटिंग, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, दिस इज आल्सो बिल्कुल सेल्स, बिल्कुल पर्पस है। हाँ, दूसरी चीज है पीपल स्किल्स, कि आप लोगों से कैसे काम ले सकते हैं। तो अगर जितने भी मेरे मतलब इस वक्त हमें देख रहे हैं लोग, उन सबको भी यही मशवरा है कि अव्वल तो दोनों, वरना इन दोनों में से एक में महारत हासिल कर लें ताकि आने वाले वक्त में आप सर्वाइव कर सकें। तो मेरी जो किताबें हैं वो इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर होती हैं और आइंदा भी इन्हीं टॉपिक्स पर होंगी, एक सेलिंग स्किल्स, दूसरा पीपल स्किल्स।